तो दोस्तों ये सेकेंड टाइम जिसको जो भी कैंडिडेट है वो अपना जो है कॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे कॉलेज में, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं। उसके लिए ट्रांसफ़र करके करने के लिए आपको जो ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करना आता है जिसका डेट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप आपको गाइड कर देंगे कि कैसे ऑनलाइन में स्टूडेंट ट्रांसफ़र का जो फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है, जो कि सेकेंड फेज ए राउंड चल रहा है। तो सेकेंड टाइम जो भी कैंडिडेट एक बार तो फॉर्म फिलअप किए थे लेकिन वो ऑलरेडी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गए वो अभी नहीं कर सकते, जो कैंडिडेट अप्लाई किए थे लेकिन उसका ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम नहीं आया, या फिर जो कैंडिडेट अप्लाई भी नहीं किए थे वो कैंडिडेट खाली इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो होने वाला बहुत ही खास क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पे अगर दोस्त आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब और कोर्स करियर रिलेटेड वीडियो का अपडेट डेली बेसिस मिल जाता है। और ये वीडियो देखने के बाद चैनल को जाकर और भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और कोर्स का अपडेट ले सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, इस पर आपको आ जाना है, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पे क्लिक करने के बाद इस पेज में आ जाएंगे, आने के बाद आपको कुछ इस तरह एक ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ पे आपको लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट ट्रांसफर 2021 फर्स्ट ईयर सेकेंड फेज। तो क्लिक टू अप्लाई पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे लास्ट डेट आप देख सकते हैं 7 दिसंबर का है, आज 6 दिसंबर आज के दिन से शुरू हो गया, सुबह सुबह से ये जो है पोर्टल ऑन हो गया और आप 7 दिसंबर रात 11:59 तक आप जो है कर सकते हैं। तो पहले तो इस पे आने के बाद कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा पेज में, तो जहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देना है। तो आप लोग अगर नहीं जानते कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैसे लें, लेकिन आपके पास अगर पहले एक बार अप्लाई किए थे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा और साथ ही साथ पासवर्ड भी होगा। तो इस पे जाके आप लॉगिन करके डिटेल्स भर सकते हैं, लॉगिन करके अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट करके आप पासवर्ड आप रिमेंबर कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्टर नहीं किया, पहली बार रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक ऑप्शन है, क्लिक करने पर न्यू स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे जेक्सपो 2000 सेशन में आप लोग एडमिशन होते हैं तो 2000 जेक्सपो 2020 यहाँ पे दिख जाएगा। तो 2020 सेशन में आप लोग जो एडमिशन होते हैं उसका ये यहाँ पे कुछ इंटरफेस कुछ ऐसा दिख जाएगा। फिर एनरोलमेंट नंबर या फिर फॉर्म नंबर देना होगा जेक्सपो का, आपका जो भी था 2020 सेशन में जो एडमिशन होते जो फॉर्म का नंबर होता है वो आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं देना है अभी, लेकिन आपके पास तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है इसलिए आपको जो सिंपली यहाँ पे कि रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, एडमिट कार्ड मिल गया होगा तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो ये डाल दिया जाएगा, लेकिन ये स्टार मार्क नहीं है, जो स्टार मार्क है वो आपको देना है। और साथ ही साथ इसको देने के बाद यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे आपको सिंपली जो है ऐसे क्लिक कर देना है। तो जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्टर हो जाएगा, फिर आपको पासवर्ड और एक जो कि है रजिस्ट्रेशन नंबर ऑप्शन का मिल जाएगा, तो उसको देखे आपको जो है लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के जब आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसको डाल के यहाँ पे जो सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है दोस्तों। तो लॉगिन करने के बाद आपको जो है फिर से नेक्स्ट कुछ ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ डिटेल्स भरना है। भरने के बाद आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसको जो है प्रिंट आउट करके भी रखना, इन फ्यूचर अगर आप कोई भी काम आ सकता है जब सक्सेसफुल आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों 6 तारीख से 7 तारीख के बीच दिसंबर के आपको जो है सेकेंड फेज ये जो स्टूडेंट ट्रांसफ़र हो रहा है इस पे जो है पार्टिसिपेट करके आपका जो सक्सेसफुली आप लोग आपका जो ट्रांसफ़र है कॉलेज का वो कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक गाइड था सभी कैंडिडेट के लिए जो भी 2020 सेशन में जिस में एडमिट हुए थे वो कैंडिडेट जो है कर सकते हैं खाली। तो आया वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब और कोर्स के रिलेटेड वीडियो का अपडेट डेली बेसिस मिल जाता है। और लेटेस्ट जॉब के अपडेट के लिए चैनल के होमपेज में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं जो है सबका कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों आप मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल यूटी गाइड। जय हिंद दोस्तों।